आज हम वर्कशीट नंबर 86 करने जा रहे हैं क्लास 10th का। इसका जो टॉपिक है वो द्विघात समीकरण का है और उस पे आधारित केस स्टडी टाइप सवाल है, यानी उस पे आपको कोई थीम दिया जाता है और उस पे आपको आंसर दिया जाता है। तो इसको जरूर करें बच्चे। देखिए, ये दिया गया केले का, एक केले के आकार में हमें परवलय वक्र का आभास कराता है। जिस निम्न आकृति में एक ग्राफ पर केले का परवलय वक्र के रूप में दर्शाया गया है, केले की आकृति को द्विघात समीकरण की तरह प्रयोग करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले देखिए, केले का वक्र का समीकरण क्या है। अब एक बार यहां से पढ़ लीजिए, और वैसे जिसने पढ़ा है तो ठीक है, केले का वक्र का समीकरण यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको यदि पढ़ लिए होते। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण, और परवलय आपको बताया गया है जो कि इस तरह की आकृति हो तो परवलय होता है और यह द्विघात समीकरण का होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 हो जाएगा तब तो देखिए इसमें और इसमें कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। गलती इसलिए करेंगे, यहाँ और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं दिया गया है। ये बहुपद है, ये समीकरण है, तो इसलिए हमें समीकरण कह रहा है, तो इसका आंसर ये। अब हमें द्विघात समीकरण में ज्यादा से ज्यादा कितने मूल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मूल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मूल होंगे। तो इसका आंसर तीसरे का आ गया। ये केले के ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पे काट रहा है, तो कितनी बिंदुओं को काट रहा है ये तो नीचे आ रहा, एक तो दो जगह पे काटेगा, एक जैसे ही नीचे आ गया तो दो जगह पे काटा हुआ जाएगा। वैसे इसको दिखा रहा है, एक ही ये है केले का ग्राफ का, ये ऊपर वाला दर्शाया गया है, यानी एक ही बिंदु पे काट रहा है। ये ग्राफ देखिए, ये जो ब्लैक कलर में है ये वाला, ये ग्राफ है, यानी इसको दो एक बिंदु पे दो पे काट रहा है। तो ये लिखा हुआ है जो कि केले के ग्राफ कितने बिंदुओं को एक्स अक्ष पे कट कर रहा है, तो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। केले के ग्राफ के द्विघात समीकरण के लिए विभक्तिकर का मान क्या होगा, जब एक बिंदु पर काटता है तो डी इजकल टू डी, जिसको विभक्तिकर कहते हैं, ये 0 हो जाता है, तो 0 के समान होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ी संख्या या बराबर हो, 0 जो होगा 0 से बड़ी हो तो भिन्न भिन्न, और ये बराबर होगा तो 0। विभक्तिकर के बारे में बात किया गया है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय संख्या, और अपूर्ण वर्ग हो यानी रूट में आ जाए तो अपरिमेय संख्या। अब ये कह रहा, निम्नलिखित समीकरण में से किसका मान, समीकरण का एक मूल 2 है तो 2 रख करके देख लीजिए, 0 जिसका आ जाए तो वो हो जाएगा एक्स बराबर में 2 रख करके आप पुट करके वैल्यू निकाल लें इसमें। तो देखिए 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 4 में से 8 गया तो ये भी 0 नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10 में से 12 गया, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखें 2 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 6 14 और 7 दूनी 14, ये हो रहा है। तो इसका आंसर ये है, मतलब मूल कह रहा, पता करने के लिए आप या तो फैक्टराइज करें या एक्स बराबर में 0 रख करके देखें, जो कि समीकरण बन रहा, मतलब हल हो रहा है कि नहीं, LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं, यानी 0 हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तो ठीक है, उसका मूल है। अब कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, 0 से बड़ी है तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण इसके कह रहा है जो कि
अब इसमें डी निकाल लीजिए, ये डी देखे बी बी स्क्वायर यानी रूट फाइव का स्क्वायर फाइव हो जाएगा, माइनस फोर ए सी तो चार, और ए का मान दो है, चार दूनी आठ और एक यानी पाँच में से आठ गया, तो यह माइनस तीन, माइनस तीन लेस देन जीरो है, तो यानी क्या होगा, ये मूल अवास्तविक होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये है इसका आंसर। अब अगला है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा? तो द्विघात समीकरण का मूल तब बराबर होता है जब डी या डी बराबर जीरो हो जाता है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो आप इसमें रखें तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, फोर ए सी यानी चार गुने दो और के इजकल टू जीरो हो जाएगा, ए का के जो है सी के बदले हैं और ए दो के बदले हैं, चार ए सी होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे के रख ले ब्रैकेट में और के माइनस एट हो जाएगा इजकल टू जीरो। तो या तो के बराबर जीरो होगा, कभी भी हो सकता है, और के बराबर जीरो जो होगा तो द्विघात के बराबर जीरो या के बराबर आठ, जब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा तो के बराबर जीरो, या के बराबर में के माइनस एट इजकल टू जीरो, तो यानी ये दोनों वैल्यू होगा, तो इसका आंसर ये आया। अब कह रहा द्विघात समीकरण इसमें विव्यक्तिकर होंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका फॉर्मूला है, तो ये लिखना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, धन्यवाद।